कभी-कभी हमारा समय इतना खराब चल रहा होता है कि मात्र एक गलती हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। ये तो गलतियां हम बहुत करते हैं, पर जब समय ही बिल्कुल विपरीत हो, ऐसे समय पर एक ऐसी गलती कर दें जो आज के नहीं पूरे आने वाले समय को पलट करके रख दे, ऐसी गलतियां जीवन को बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। मित्रों, इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है अगर हमें पता हो ग्रहों की स्थिति के आधार पर। और ज्योतिष हम यही बताते हैं कि भाई कौन सा समय आपका टिपिकल है, कौन से समय में आपको कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, कौन से समय को बहुत शांति के साथ व्यतीत करना चाहिए। जीवन में कभी ना कभी आपने देखा होगा कि उपद्रव, गुस्सा या कोई ऐसी चीज जो आपसे अचानक हो गई, उसने आपका बहुत नुकसान किया, मान सम्मान का भी बहुत चीजें परिवर्तित कर दी, या कई इंसिडेंट ऐसे हुए अचानक जिन्होंने लाइफ को खत्म कर दिया, और बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है। वहीं कई लोग ऐसे समय को एक अपॉर्चुनिटी समझ करके शांत रहते हैं और अच्छा समय आने का इंतजार करते हैं कि जब समय हमारे अनुकूल हो तब हम उस पर कार्य करें। आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, क्योंकि इस वर्ष 2024 के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे बड़े परिवर्तन को करने वाले 3 महीनों पर हम इसे चर्चा करने वाले हैं। निश्चित ही ये जो लास्ट के 3 महीने 2024 के आ रहे हैं बहुत अभूत हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कई लोगों को इन 3 महीनों के दौरान बहुत ज़्यादा एक जिस कार्य के लिए वे लगे पड़े हैं उसमें लाभ मिल जाएगा, वो कार्य सफल हो जाएगा, और वहीं कई लोगों को एक ऐसी अनहोनी भी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए समय नहीं गंवाते और आते हैं सीधा टॉपिक पर। नमस्कार प्रिय मेष राशि के जातकों, मैं हूँ एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के विशेष कार्यक्रम में। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 माह मित्रों जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं, इतिहास को रचने वाले हैं। जीवन में जो संघर्ष और संकट के बादल चलने को समाप्त भी करने की क्षमता रखते हैं और कई चीजों में समस्या देने को जन्म भी कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों, अक्टूबर की शुरुआत से बात करते हैं, डेट वाइज बात करेंगे ताकि आपके समझ में आए। बराबर में जो आप चार्ट देख रहे हो इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है, यानी इसको थोड़ा अच्छा किया है, जिसमें आप समझ सको कि कौन कौन सी तारीख में कौन सा ग्रह चेंज हो रहा है। तो प्रिय मेष राशि के जातकों, सबसे पहले ध्यान देने वाली आवश्यकता है आपके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य पर क्यों? क्योंकि अक्टूबर से ही मंगल महाराज आपकी राशि के स्वामी रहेंगे तृतीय भाव के अंदर। अब जो अक्टूबर में ही आप देखना शुरू कर देना जो मैं बातें बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर ऐसी घटने प्रारंभ हो जाएंगी। अक्टूबर के मध्य भाग में ही आपकी भागा दौड़ी चरम पर हो जाएगी, आपको एक काम के साथ साथ 2 या 3 काम करने पड़ेंगे और एक प्रकार का चैलेंज होगा मित्रों, जिसको आपको पास करना है। अब जो मेष राशि के जातक इस चैलेंज को अच्छे से पास कर जाएंगे, क्योंकि मेष राशि में ताकत की, मेहनत की कोई कमी नहीं होती, ये राशि बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करती है, तो आप लोगों को दिक्कत मानने वाली कोई भी बात नहीं है। हाँ, जो लोग इस टाइम पीरियड में मेहनत से बचें, आलस्य में रहें, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि लाभ ही उन्हीं को होगा जो सर्वाधिक मेहनत करें। बाकी 20 अक्टूबर तक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जब आप यात्रा करने के लिए जाएंगे, कहीं भी छोटी मोटी यात्रा हो या बड़ी यात्रा हो, वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपके साथ में दिक्कत परेशानी हो रही है। मोस्टली आप जब देखें, जब आप यात्रा के दौरान होते हो, या तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, या आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य में बार बार रुकावट देखने के लिए मिल रही है, या उस काम में आपका ना मन नहीं लग रहा है, ये देखा जा सकता है और ये आपके स्वास्थ्य पर ही प्रभाव डालेगा। चिंता करने को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द मंगल जो है वो परिवर्तित भी होंगे और 20 अगस्त के बाद में मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आप हालांकि मंगल थोड़ा नीच राशि में आएंगे, चतुर्थ स्थान पर आएंगे, तो उस समय थोड़ा माता से, अपने घर में, अपने परिवार में किसी विशेष व्यक्ति से आपको मनमुटाव देखा जा सकता है, कुछ कहा सुनी भी हो सकती है, मदर के तौर से किसी प्रकार की चिंता भी देखने के लिए मिल सकती है। और 20 अगस्त के बाद आपको इन सभी चीज़ों में आपका ज़्यादा फोकस, ज़्यादा मेहनत आपके मातृत्व भाव पर, यानी आपके परिवार में, घर में ज़्यादा देखा जाएगा। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड रहेगा कि 20 तारीख के बाद आप शारीरिक रूप से कुछ करने का पूरा ठान रखा है और कई कार्यों की आपने शुरुआत कर दी है। 20 तारीख के बाद में ही आप एक चीज़ और महसूस करोगे कि आप में एक बृहस्पति की हुई सुहत पावर बहुत अच्छी हो रही है इस समय, तो आप में बोल चाल की जो बात है वो बहुत अच्छी हो रही है। उसका कारण है कि आप देखेंगे कि आपके द्वितीय भाव पर हैं देवगुरु बृहस्पति। एक तो वाणी पर आपका ज्ञान आ रहा है,
एक आप दूसरों की सहायता कर रहे हो वाणी के माध्यम से, एक परिवार के माहौल में जो गर्मी, जो दिक्कत, जो भी कुछ क्लेश आपके परिवार में मध्य उत्पन्न हो रहा था, उससे आपको कहीं ना कहीं निजात इस समय पर मिल रहा है, और आपको कहीं ना कहीं माइंड से जो टेंशन परिवार की ओर से लेके जा रही थी वो कम हो रही है। शारीरिकता के रूप से तो अच्छा है, पर परिवार में जो चल रहा विवाद है वो विवाद तो कहीं हद तक कम हो रहा है। देखने वाली बात यह है कि जो लोग, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था के अंदर रहेगा, इन तीन महीनों के दौरान तीन प्रकार के ऑक्यूपेशन को वालों को ज्यादा लाभ देखेगा, जैसे कि टीचर है, जैसे कि अगर मैनेजमेंट विभाग में है, जैसे कि बैंक के कर्मचारी हैं, या फिर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पद पर हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ इस समय पर देखा जा सकता है। वहीं मैं अगर आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा पार्ट है मित्रों विद्यार्थियों का, और इस टाइम पीरियड में लगभग नवंबर या दिसंबर में सबसे ज़्यादा एग्जाम्स भी होते हैं। अब एक बहुत बड़ी मेष राशि वालों की एक विडंबना है, एक चिंता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तीन महीने कैसे, इसलिए मैंने कहा कि तीन महीने इतिहास को परिवर्तित करने वाले हैं। कई लोगों की लाइफ इन तीन महीनों के अंदर सेट हो जाएगी, तो वहीं कई लोग थोड़े निराश होकर के आगे बढ़ सकते हैं। बट जानते हैं मेष राशि वालों का, विद्यार्थियों का क्या हाल है, किस टाइम पीरियड में आपको उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी और किस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मेष राशि वालों, 17 अक्टूबर से पहले अगर आप किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई में जल्दबाजी या फिर अपने समय को खराब करते हो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, 17 अक्टूबर से पहले जो टाइम आपके पास है पढ़ाई का है, ये विद्या ग्रहण करने का है, अगर इसको आप वेस्ट करते हो, खराब करते हो, तो निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं अगर 17 तारीख तक अगर आप इन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ा लेते हो, और आपका फोकस ही अगर हटेगा भी तो इसी टाइम पीरियड में हटेगा, और इसका हटा हुआ आपको नवंबर दिसंबर के एग्जाम में आपको बहुत फिट टिपिकल स्थिति होगी। पर वहीं मैं आपको बताऊंगा 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक ये टाइम ऐसा है मित्रों, जो जो भी बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा लकी साबित हो सकता है। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, यानी कि नंबर अच्छे आने के पूरे बढ़िया संकेत दिखाई दे रहे हैं, और इसी के अलावा एक एग्जाम निकलने का जो योग है वो भी इस टाइम पीरियड में आपका बन रहा है। देखिए कुंडली में क्या ग्रह हैं आपके वो हमें नहीं पता, पर जो राशिगत जो स्थिति दिखाई दे रही है वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। राशि में जो होता है वो 100% एक्यूरेट भी नहीं होता और 100% गलत भी नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की, सूर्य की, शनि की स्थिति क्या है। अब देखेंगे 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का टाइम पीरियड और है। अब ये जो टाइम पीरियड है ये पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और भी सारी चीज़ों में ध्यान देने वाला है। जिन लोगों को भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसी टाइम पीरियड के अंदर होगी, 16 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक। उसका कारण क्या है मित्रों, ये उस समय में सूर्यदेव सूर्य नारायण महाराज आपकी राशि से अष्टम भाव के अंदर संचरण करेंगे, और आठवें घर में सूर्य का फल अच्छा नहीं माना जाता। तो इस टाइम में आपको क्या करना है, क्या ध्यान देना है, सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई का फोकस नहीं हटने देना है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और चीज़ों को साथ में लेकर के नहीं चलना है। विद्यार्थी जो भी लोग हैं वो पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ पर फोकस बिल्कुल ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एक फ्रेश माइंड रहने का प्रयास करें जिससे आपकी पढ़ाई उत्तम हो सके। आप इस टाइम पीरियड में बहुत सारी अनाप शनाप चीज़ों को भी सोच सकते हो, पुरानी चीज़ों, पुरानी गतिविधियों में लग सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति आपको पता है आप अपने जा रहे हैं उसके काम को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में अपना काम खराब कर सकते हो। और साथ ही बताएं कुछ सबसे ज़्यादा जो जिन लोगों को प्रॉब्लम होगी वो इस टाइम पीरियड में होगी लव रिलेशन वालों को। टाइम पीरियड सुन लीजिएगा, टाइम पीरियड हम फिर आपको बता देते हैं 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। लव रिलेशन वालों को प्रेम में धोखा मिल सकता है, प्रेम में अड़चने आ सकती हैं, आपका पार्टनर मनमुटाव का स्थिति में आ सकता है, आपके साथ में बातचीत करने में थोड़ी व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। संतान को लेकर के इस टाइम पीरियड में थोड़ी चिंताएं बढ़ी रहेंगी, संतान का व्यवहार अचानक आपके लिए परिवर्तित हो सकता है, और आप जो एक्सपेक्ट आपके बच्चे से कर रहे हो वो चीज़ें में कहीं ना कहीं आपको डिसेटिस्फिकेशन मिल सकता है, इसीलिए इन चीज़ों के लिए आपको उपाय करने हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है। उपाय के तौर पर आपको इस समय एक तो संतान के लिए और प्रेम संबंधों के लिए विद्यार्थियों के लिए सूर्य के मंत्र का जाप जरूर करना पड़ेगा, ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर आप प्रतिदिन 27 बार भी इस मंत्र का जप कर देते हो तब भी आपके लिए मान के चलिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। और इसी के अलावा सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना है, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा करनी है, और मस्तक पर अष्टगंध केसर युक्त तिलक लगाना है, बस इतना उपाय आपके तीन क्षेत्रों में आपको लाभ देगा। एक मित्रों 15 दिसंबर के बाद में पढ़ाई लिखाई और प्रेम में
सफलता के जबरदस्त योग है। अब जिन लोगों का एग्जाम है दिसंबर 15 दिसंबर के बाद मोस्टली, तो भैया इस समय ग्रह भी आपके अनुकूल हैं, बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। पढ़ाई लिखाई में ग्रह अपनी तरफ से आपको पूरा प्रयास देंगे, पूरा आपको फल देंगे। अब डिपेंड करता है आपकी खुद की क्या मेहनत है, ग्रह आपको देने के लिए बैठे हैं। फिर पिछले महीने में यानी कि अक्टूबर में, अगर नवंबर में मान के चलिए आपके आपस में बोलचाल बंद हो गई, पढ़ाई लिखाई को लेकर के दिक्कत हो गई, तो ये आपकी 15 दिसंबर के बाद पढ़ाई लिखाई को भी अच्छा करेगा और संतान सुख को भी प्रदान करेगा। कई सारे दंपतियों को जिनको संतान की कामना है, 15 सितंबर के बाद में बहुत प्रबल योग है, आप संतान कंसीव करने के आपके योग बन जाएंगे। और 17 अक्टूबर से एक बहुत विशेष ध्यान रखना है, बहुत बड़ी चीज का, कि सूर्य महाराज आपकी राशि पर दृष्टिपात करेंगे, यानी सूर्य की जो दृष्टि होती है आपकी राशि पर पड़ेगी, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपके अंदर बढ़ेगा एग्रेशन, गुस्सा, जुनून भी बढ़ेगा, कार्य करने के लिए आपकी ललक भी बढ़ेगी, बट सबसे ज्यादा क्या बढ़ सकता है, क्रोध बढ़ सकता है। तो क्रोध ज्यादातर जिन चीजों में आपको दिक्कत परेशानी कर रहा है, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में, जैसे कि आपके लव रिलेशन में, वहां पर वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए आपको उस टाइम में गुस्से पर नियंत्रण रखना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, योग करना है। आगे बढ़ते हैं, और इस महीने के यानी इन 3 महीनों के अंतराल में तो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये गेम चेंज कर सकता है मेष राशि वालों के कई के जीवन में। इतना बड़ा गेम चेंज कर सकता है मित्रों, कि आप जिस चीज को प्राप्त करने के लिए अथाह मेहनत कर रहे हो, ये आपको प्राप्त हो जाएगी। मित्रों होने क्या जा रहा है कि शनि देव पिछले कई महीनों से वक्र अवस्था में, कई लोगों की हमने कुंडलियां पढ़ी, उन कुंडलियों के दौरान भी अपॉइंटमेंट जब लिया गया तो उनके कहीं के काम अटके पड़े थे, कहीं के साथ कोर्ट कचहरी मुकदमा जनित हुआ, कई लोगों की नौकरियां छूट गई, कई लोगों के पारिवारिक जीवन में क्लेश हो गया, कई लोगों के डाइवोर्स के प्रबल योग बन गए। ऐसी इसी अवस्था के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। अब ऐसी अवस्था के अंदर मेष राशि वालों, जो भी लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और आप नौकरी में आपकी सरकारी नौकरी तक छूटने के योग बने, हालांकि ऐसे चुनिंदा लोग होंगे जिन लोगों की छूटने के योग बने हैं, परंतु बने जरूर हैं, और जिन लोगों के बने हैं वे कमेंट जरूर कर सकते हैं, या फिर अनायास कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ गया जो कि आपको आपके जॉब के आपके प्लेस पर आपको काम नहीं करने दे रहा, और आपके वहां पर सबसे ज्यादा वर्कआउट सबसे ज्यादा चिंता अगर जहां बढ़ी तो वो बढ़ी आपके कर्म स्थान पर, यानी कि नौकरी के घर पर। अब ये सारी चीजें, क्योंकि अलग अलग ग्रहों का गोचर होता रहता है, उनके शुभ अशुभ जानकारी हम देते रहते हैं, पर कुंडली में अगर शनि की अशुभ अवस्था थी उसके कारण से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ी, और ज्यादा परेशानी हुई, मन निराश हो गया, और इसके चक्कर में क्या हुआ, कई लोग तो सुसाइडल अटेम्प्ट के बारे में भी सोचने लगे, जो कि बिल्कुल गलत। अब मेष राशि वालों को यहाँ पर एक बहुत खुशखबरी भी है, और आपके लिए वर्तमान इन परिस्थितियों से शनिदेव बाहर निकलने का भी प्रयास कर रहे हैं, और एक बहुत गोल्डन जानकारी भी मैं आपको दूंगा, एक ऐसी जानकारी जो आने वाले आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा है मित्रों, 14 नवंबर को शनिदेव जो है, जो अब तक वक्र हो रहे थे जिसके कारण से आपके जीवन में संघर्ष थोड़ा बढ़ गया था, पैसे को लेकर के, इनकम को लेकर के, जो आपका मेहनत बढ़ी, लोगों से थोड़ा धोखा मिला, और एकादश भाव के अंदर यानी जो सपोर्ट आपको बाहर से मिलनी चाहिए थी, जो आपका प्रमोशन होना चाहिए था, वो प्रमोशन अगर नहीं हो पाया, वैसे तो शनि आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, फिर वक्र अवस्था के अंदर ये थोड़ी सी दिक्कतें कर देता है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। 14 नवंबर को शनिदेव अब मार्गी अवस्था के अंदर आने वाले हैं। मार्गी का तात्पर्य है कि शनि अब सीधी चाल चलेगा, अब तक शनि उल्टी चाल में थे, तो जो ज्यादा कोप, ज्यादा थोड़ा क्रोध का कई लोगों को भाजन बनना पड़ रहा, तो उसको अब नहीं बनना पड़ेगा। शनिदेव का लाभ में मार्गी हो जाना मित्रों अच्छा नहीं, बहुत अच्छा माना जाता है, और इसका बढ़िया होना आप सभी के करियर के क्षेत्र पर तो मुख्यतः अच्छे फल देता है। शनि का यहाँ पर पैसे को बढ़ाना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना, आप कोई नया व्यवसाय, नया कार्य, कोई नई गाड़ी, बड़े कोई वाहन खरीदना चाहते हो, किसी बड़े प्लॉट को परचेस करना चाहते हो, बहुत सारे मन में ऐसी चीजें थी जो करना चाहते थे पर सब में लॉस होता जा रहा था, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा विचार है, एक अच्छा समाचार है कि आप ये 14 नवंबर के बाद अपने शुभ कार्यों को करना प्रारंभ कर सकते हो। 14 नवंबर के बाद शनिदेव मार्ग हो जाएंगे, नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। जो लोग नौकरी के लिए बहुत ज्यादा हताश है, मेहनत कर रहे हैं, भैया आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत लोग ऐसे रेयर केस है जिनके करियर में, और जैसे कि कोई प्रॉपर्टी ली, कोई चीज ऐसी ली, महंगी चीज ली, उसमें क्या है, वाद विवाद उत्पन्न हो गया नौकरी में, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा उत्पन्न हो गया, तरह तरह की लड़ाई झगड़े ये होने लगे, घर परिवार में डिस्प्यूट, यानी कि जो पैतृक संपत्ति है उसमें जो है एक प्रकार से
द्वंद हुआ पड़ा है, ऐसी अवस्था वाले जितने भी लोग हैं मेष राशि वाले, उन लोगों के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, अच्छी जानकारी है। जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो नौकरी के कोर्ट कचहरी को समाप्त करेंगे, नौकरी में चल रही दिक्कत परेशानी को ये कम करेंगे, कर्म स्थान पर जो द्वंद आपके मचा उस द्वंद को ये कहीं ना कहीं समाप्त करेंगे। और मुकदमे की स्थिति, जैसे कई लोगों का डायवोर्स का मुकदमा है दाम्पत्य जीवन में, तो वहीं कई लोगों का बिजनेस में, तो कई लोगों का जॉब के अंदर, सरकारी जॉब वालों को मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा, जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही है उनकी समस्या कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे। अब 14 नवंबर से पहले क्या चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं तो मैं आपको बताऊंगा। जो भी लोग मैनेजमेंट से काम को करेंगे, मैनेज करके चलेंगे चीजों को, ऐसा नहीं कि कभी भी उठे कभी भी कुछ भी कर लिया, किसी से भी बात कर ली, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, उन लोगों को तो देखो दिक्कत हो सकती है। पर वहीं 14 नवंबर से पहले जो मैनेजमेंट से काम करते हैं उनको अच्छा है। जो एक मैं आपको बताऊंगा कि जब तक शनि वक्र रहेंगे यानी 14 नवंबर तक, तब तक ही अनजाना भय, नौकरी में कहीं नौकरी ना छूट जाए, नौकरी में आपके अधिकारी से ना आपकी बिगड़ जाए, नौकरी में जो आप काम कर रहे हो वो काम खराब ना हो जाए, काम भी कर रहे हो तो काम में भी एक आपका एक भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, ये चीजें थोड़ी सी देखी जाएंगी। और जैसे 14 नंबर के बाद शनिवार की होंगी ऑटोमेटिकली आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी, कोई ना कोई आपकी सपोर्ट में रहेगा, कोई ना कोई आपकी कहीं ना कहीं सहायता करता रहेगा। जब भी एंड मोमेंट पे बिल्कुल काम बिगड़ने वाला होगा वहां कोई ना कोई आपका ऐसा खास कोई भी आप करके ऊपर वाले की कृपा हो सकती है, भगवान नारायण की कृपा आपको मिल सकती है, जिसके कारण से आपका बिगड़ता हुआ काम वो बचा लेगा। जब भी आपको दिक्कत होगी तो आपकी सपोर्ट वहां पर करने के लिए आएगा, ये चीजें समझने वाली हैं। शनि वक्री के कारण थोड़ा डर और भय बना रहता है। अब बड़ी बात क्या है, 16 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक ये टाइम को आपको नोट करना है। इसमें क्यों, ये ऐसा टाइम रहेगा जिसमें आपका कॉन्फिडेंस रहेगा डाउन, जिसमें आपकी मेहनत के लिए आपके काम के लिए कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो हर काम व्यक्ति डरता हुआ करता है, और डरता हुआ काम को करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो काम गलत हो सकता है। तो भैया उस समय आपको तो सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, भगवान नारायण की पूजा करनी है, शंकर जी पर जल चढ़ाना है, और हो सके तो चंदन में के जल से, यानी कि जल में चंदन मिला करके उससे आप भगवान शिव का उस समय अभिषेक करें जितना हो सके, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाल बैल की जरूर सेवा करें भैया, 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक कोई ज्यादा बड़ा कार्य ना करें, कोई महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार ना करें, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, उससे थोड़ा सा बचाव रखें। वैसे तो शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर फिर भी उस समय थोड़ा ध्यान रखना है। भाग्य 20 अक्टूबर के बाद और नवंबर से पहले यहाँ पर आप शुभ काम कर सकते हो, भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है, और भाग्य के कारण से वैवाहिक जीवन में भी तनाव सेपरेशन कम होगा, पारिवारिक जीवन के जो इच्छाएं आप चाहते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये पूर्ति कराएगा। 13 अक्टूबर तक तो बहुत अच्छा है, और 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक मित्रों ये टाइम ऐसा है, इसको भी नोट करिएगा, 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पार्टनर के साथ कोई अनबन थोड़ी बहुत नोक झोंक देखी जा सकती है। और 7 नवंबर से लेकर के मित्रों 2 दिसंबर तक, अब ये टाइम कैसा है मित्रों, ये आपके पार्टनर के लिए और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए गोल्डन रहने वाला है, यानी इस टाइम पीरियड में आप कहीं घूमने जा सकते हो, किसी पर्यटक स्थल पर आपका जाना हो सकता है, आपके पार्टनर के करियर में भी अचानक ग्रोथ देखी जा सकती है, और आपके रुके हुए काम इस टाइम पीरियड में पूरे हो सकते हैं, यानी कोई अटका हुआ कार्य। अब कई सारे मेष राशि वालों का पैसा अटका हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, तो जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, मार्गी होने के बाद धीरे धीरे आपका वो अटका हुआ रुका हुआ पैसा सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। अगर बात करें मेष राशि के वालों को इन 3 महीने के अंतराल में सर्वाधिक क्या उपाय करना चाहिए, तो भैया आप हनुमान जी की सेवा करें, आप किसी हनुमान मंदिर में जाकर के उस मंदिर की सेवा करें जहाँ पर आपके आसपास हनुमान जी की मूर्ति स्थापना है। सबसे पहले तो सब लोग केवल दीपक जलाते हैं, दीपक जला करके निकल जाते हैं, पर वहाँ पर जो भी चीज़ें जो भी कूड़ा करकट या कुछ भी होता है लोग ज़्यादातर पूजा के रूप में सफाई नहीं करते। जो भी हनुमान जी के मंदिर में, निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, जो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के झाड़ू इत्यादि उनके दरबार में लगाएगा, उसके एक नहीं दो नहीं नौ के नौ ग्रह जितने भी अधीन होंगे बालाजी महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से वो अवश्य सफल हो जाएगा। और ये 3 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक तो शिक्षार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, वहीं जॉब और करियर वालों के लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस समय आप शनिदेव की भी आराधना करें ज्यादा से ज्यादा, शनि मार्गी होंगे, मार्गी होते ही शनिदेव की शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए आप शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं, भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं,
इसी भैरव मंदिर में जाकर चौमुखी दीपक, जो अगर आप कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हो तो प्रयोग करके देखना कि उस कार्य पर जाने से पहले आप चौमुखी भैरव मंदिर में भैरव जी के सामने दीपक जला करके जरूर जाना, आपका कार्य अवश्य सफल होगा। प्रिय मेष राशि वालों, जानकारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बन रहेगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री।